गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15 ऑन द मूव. सो लेट्स स्टार्ट. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द मैन वॉज. पहला ऐसा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा है जो मैन द्वारा किया गया था. ओके, कौन सा है? व्हील है, कार है या ट्रक है. तो इन तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा पहला आविष्कार है जो मैन के द्वारा किया गया था. तो इसका सही आंसर है व्हील. ठीक है, सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल आर मोर नंबर ऑफ व्हील्स. ऐसा कौन सा परिवहन है जिसमें सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं, कार में, स्कूटर में, बस में. तो कार में तो आपको पता है 4 व्हील्स होते हैं, स्कूटर में 3 व्हील्स होते हैं, बस में जो होते हैं इनसे ज़्यादा होते हैं. ठीक है, 8, 6 जो भी है. तो इसका आंसर है बस. ठीक है, उसके बाद है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आधुनिक परिवहन का साधन है वो कौन सा है. ए, कार्ट. सेकेंड, स्लेज. थर्ड, मेट्रो. फर्स्ट, कार्ट. कार्ट मतलब ठेला जिसमें 4 पहिए होते हैं, लकड़ी की गाड़ी टाइप में होती है, तो वो तो पुराना है. स्लेज भी पुराना है. थर्ड, मेट्रो, जो आजकल हम देखते हैं ना दिल्ली मेट्रो, वो सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, फोर्थ देखेंगे हम, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन एयर. वो कौन सा परिवहन है जिसको हम हवा मतलब वायु आसमान में यूज़ करते हैं. ठीक है, मोटर बोट, एरोप्लेन, ट्रेन. तो इसका आंसर क्या है? एरोप्लेन. एरोप्लेन जो है हम एयर में यूज़ मतलब एयर में मतलब आसमान में चलता है. ठीक है, ट्रेन तो रोड पे चलती है, मोटर बोट पानी में चलती है. ठीक है, अब सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, उसमें फर्स्ट है, शीप एंड बोट आर यूज्ड फॉर डैश ट्रांसपोर्ट. शीप और बोट का हम यूज़ करते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये? शीप पानी में चलता है, बोट भी पानी में चलते, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया ये? वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, सेकंड है, आ डैश कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसा कौन सा वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं? तो वो है ट्रेन. ठीक है, थर्ड है, डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे फास्ट है? ठीक है, वो है एरोप्लेन. ठीक है, एरोप्लेन या फिर हम एयर भी लिखते हैं, एयर आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, फोर्थ है, डैश एंड डैश आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड लोड्स. मतलब कि वो ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट हैं जिनसे हम गुड्स मतलब कोई भी वस्तुओं को और या फिर लोड भारी वाली वस्तुओं को ले जा सकते हैं. इसमें पहले आएगा ट्रक्स, सेकंड में आएगा लॉरीज. ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे सी, टिक द करेक्ट वर्ड्स. जो वर्ड ठीक है उस पर हमें टिक लगाना है. फर्स्ट में आ बोट एंड मोटरसाइकिल मूव्स इन वाटर. इनमें से जो दोनों में से जो एक है वो कौन सा है जो वाटर में मूव करता है, बोट या फिर मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल तो लैंड में चलती है, बट जो बोट है वो वाटर में होता है, वाटर में मूव करता है. ठीक है, सेकंड नंबर पे है आ ट्रेन रन्स ऑन रोड या फिर रेल्स. जो ट्रेन है किस पे रन करती है, किस पे चलती है? रोड्स पे चलती है या रेल्स पे चलती है? तो रेल्स पे चलती है. ठीक है, इसका आंसर है रेल्स. ठीक है, उसके बाद है थर्ड, एन एरोप्लेन फ्लाइज सेल्स इन एयर. जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो कहाँ पे उड़ता है? हवा में उड़ता है या फिर कहाँ उड़ता है? तो वो एरोप्लेन्स जो है हवा में फ्लाई करता है. ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ बस या फिर बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स. बस या फिर बाईसाइकल्स, ऐसे कौन इन दोनों में से कौन है जिसके 2 व्हील्स होते हैं, 2 पहिए होते हैं? बस के होते हैं 2 व्हील्स या फिर बाईसाइकिल के होते हैं? बाईसाइकिल के तो 2 व्हील्स होते हैं सिर्फ, बस के तो ज़्यादा होते हैं इससे ज़्यादा. ठीक है, फोर्थ से तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिए थे अपने नोटबुक्स में. ठीक है, अब उसके बाद आता है ये वाला, उसके बाद हम ये देखेंगे. ठीक है, ट्रेवल सेफ. टिक राइट दूस
यू विल ऑलवेज डू, हमें उस पर सही लगाना है जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दूस यू विल नेवर डू, उस पर क्रॉस लगाना है जो हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें आएगा रन अराउंड इन द ट्रेन, हमें क्या कहते हैं ट्रेन के आसपास घूमना चाहिए, नहीं ये गलत है, ठीक है। वियर सीट बेल्ट इन द कार, हम जब कार में बैठते तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए ना, राइट ये सही है। थर्ड स्टैंड ऑन द सीट ऑफ द बस, हमें बस की सीट पे खड़े होना चाहिए, नहीं रॉन्ग गलत है। वियर अ हेलमेट वाइल साइकिलिंग, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए ना, राइट। गो ऑन द रोड अलोन, हमें क्या रोड पे अकेला निकलना चाहिए, अकेले जाना चाहिए, नहीं रॉन्ग, ठीक है ये भी हमने देख ले। उसके बाद ये वाला थिंग्स टू डू, जो थिंग्स टू डू में है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पेस्ट देम बिलो, अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जितने भी तरीके के ट्रांसपोर्ट, एयर वाटर एनिमल एंड लैंड, जितने भी तरीके के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो उस तरी उसकी आपकी यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है, फोर कॉलम्स आपको दिए हैं उसमें आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक है। इन जो यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं ना, फोर बॉक्सेस हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनकी फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक है। ये सभी बच्चों को अपनी बुक में करनी है, ठीक है। ओके थैंक यू।